हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। इस यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यहाँ का प्लेसमेंट सेल के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सिटी कैसी है, इसका कैंपस कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, पढ़ाई का माहौल कैसा है, साथ ही साथ गर्ल्स का कितना फी लगता है, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जो ये फोटो है वो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी भवन है। तो जब आप ICAR का जो फी स्ट्रक्चर का PDF है उसमें आप देखेंगे तो इस यूनिवर्सिटी का जो फी स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा वो दिखाएगा 21,000 रुपया। BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी 21,000 रुपया और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी 21,000 रुपये। तीनों कोर्स के लिए सेम फी स्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जो आपका फी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी इंक्लूड है। टोटल इसका फी 21,000 है, जिसमें आपको 10,000 रुपया सीट एक्सेप्टेंस फी के रूप में देना होगा। और अगर इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो जो रिमेनिंग फी है 11,000 वो आपको एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन के समय पेड करना होगा। तो हम डिटेल में बात करते हैं कि जो फी स्ट्रक्चर है पर सेमेस्टर वो कितना लगने वाला। सारा कोर्स का फी स्ट्रक्चर सेम है, या हॉर्टिकल्चर हो, या एग्रीकल्चर हो, या BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉय के बारे में कि बॉय का कितना फी लगने वाला है पर सेमेस्टर इस कॉलेज में आने के बाद। तो टोटल फी आपका जो लगेगा वो लगेगा 8,000 रुपया, फर्स्ट सेमेस्टर में 9,000 आपका लग जाएगा। तो ये है जो फी स्ट्रक्चर है वो थर्ड सेमेस्टर का है, 8,000 रुपया, सेकेंड सेमेस्टर में 9,000 लगा था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी 9,000 रुपये लगा था। ये बात किसका कर रहे हैं, बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, या आप एग्रीकल्चर में हो, या हॉटी में आने वाले हो, या BTech में आने वाले हो, काफी कुछ इतना ही लगने वाला है। तो जो 8,000 रुपये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फी है मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल टेस्ट फी, जो 100 रुपये आपका लगेगा, जनरल एमिनिटी फी 200 रुपया, ट्यूशन फी 3,500, एग्जामिनेशन फी 500, कल्चरल एक्टिविटी 200, हॉस्टल फी 1,500, स्टूडेंट एड फंड 50 रुपया, मैगजीन फी 100 रुपया, रजिस्ट्रेशन फी 500, लाइब्रेरी फी 500, जिमखाना फी 200, लेबोरेटरी फी 500, एवोल्यूशन रिपोर्ट फी 150 रुपया, और टोटल आपका होता है 8,000 रुपया। और इसमें इलेक्ट्रिक बिल भी आप इसमें ऐड कर देंगे 1,000, जो आपको अलग से देना होगा जब आपका बिल आएगा तब। टोटल आपका 9,000 रुपये का बिल बन जाता है यहाँ पे। फी ये पर सेमेस्टर का है, यानी 6 मंथ का फी है ये, कि जो 1,000 रुपये है वो भी आपका 6 मंथ में एक बार लगेगा। तो ये यही फी आपका एग्रीकल्चर में भी रहने वाला है, हॉर्टी में भी रहने वाला है, और BTech में भी रहने वाला है अगर आप बॉयज हैं तब। इसी में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें मेस फी कितना लगता है। तो मेस फी डिपेंड करता है कि आप सेल्फ मेस ज्वाइन करते हैं या जो एक मेस की चलाती है वो ज्वाइन करते हैं, तो उसमें डिफरेंट आ जाता है वेरिज में। जो सेल्फ मेस होता है उसमें आपका ज़्यादा फी नहीं आएगा, आपका अप्रोक्स 2,000 तक ही आएगा पर मंथ। वहीं अगर एक होता है कि वो सेल्फ मेस नहीं होता है, वो क्या होता है कि कोई बाहर के लोग वो मेस को चलाते हैं, और जो सेल्फ मेस होता है वो क्या चलाता है, वो स्टूडेंट के द्वारा चलाया जाता है, सीनियर के द्वारा। तो अगर ये ज्वाइन करेंगे तो आपका 2,000 रुपये आएगा फी, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपका नहीं आने वाला है। ये जो फी है 2,000 रुपये ये वेरी करता है, कभी कभी आपका 1,700 भी आ सकता है, कभी कभी 1,600 भी आ सकता है, कभी कभी 1,800 भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि टोटल जो टोटल बिल कितना आया है मेस का, उसी के अनुसार से आपका जो पर स्टूडेंट के ऊपर बिल बनता है वो आपको देना होता है। वहीं जो दूसरा मेस है वो किसी और के द्वारा चलाया जाता है, इसमें आपका जो फी रहता है वो फिक्स रहता है 2,300 रुपया, आपको 2,300 पर मंथ देना होगा। तो वही आप मान लें कि 2,000 से लेकर 2,300 रुपये तक आपका मेस फी आने वाला है। हम ये जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बॉयज के लिए बात कर रहे हैं, गर्ल्स के लिए ये जो फी है वो वेरीज कर जाएगा। हम आगे बात करेंगे गर्ल्स का फी स्ट्रक्चर के बारे में, है वो 9,000 रुपये आपका हो गया 6 मंथ का, इसमें कॉलेज फी भी आ गया, हॉस्टल फी भी आ गया, और इलेक्ट्रिक बिल भी आ गया, प्लस आपका 2,300 रुपये पर मंथ जो मेस है वो चार्ज लगेगा। तो ये टोटल आपका फी स्ट्रक्चर, ये 6 मंथ में एक बार आपको देना है, और ये आपका पर मंथ रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको ये समझ आ गई होगी टोटल फी कितना लगने वाला है जब आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तब। हम बात कर लेते हैं गर्ल्स के बारे में, इस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स का अलग तरह का रिजर्वेशन है। आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हो या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका टोटल पर सेमेस्टर का जो फी है वो 3,000 रुपया पर सेमेस्टर लगेगा, यानी पर 6 मंथ में आपका जो फी है 3,000 रुपया है सब कुछ मिलाकर। इसमें आपका हॉस्टल फी भी आ गया, पढ़ने का जो है ट्यूशन फी वो भी आ गया, बाकी जो भी मिसलेनियस फी है वो सारा मिलाकर आपका 3,000 रुपया ही लगेगा। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी मेडिकल टेस्ट फी हो जाता है 100 रुपया, जनरल यूनिटी 200, लाइब्रेरी फी 500, जिमखाना फी 200, लेबोरेटरी फी 500, स्टूडेंट एड फंड 50 रुपया, मैगजीन फी 100 रुपया, रजिस्ट्रेशन फी 500, एग्जामिनेशन फी 500, कल्चरल एक्टिविटी फी 200, एवोल्यूशन रिपोर्ट फी 150 रुपया। तो गर्ल्स का जो यहाँ पढ़ने का जो ट्यूशन फी है 3,500 वो नहीं लगता है, और जो हॉस्टल फी है 1,500 रुपया वो नहीं लगता है। ये जो दो फी है ये
गर्ल्स को यहाँ नहीं देना होता है। मात्र आपका जो फी है पर सेमेस्टर 3,000 रुपया है आपका। इसमें आप ऐड कर लेंगे क्या, इसमें आप ऐड कर लेंगे मेस फी। गर्ल्स का मेस फी मैक्सिमम 1200 रुपया से लेकर 1500 रुपया तक ही आएगा, क्योंकि जो गर्ल्स का मेस है वो सेल्फ मेस ही रहता है। तो आपका बस इतना ही फी आपका आने वाला है, इससे ज्यादा आपका फी नहीं आएगा मेस फी पर मंथ। पर ईयर आपका टोटल फी आपका 6,000 रुपया हो जाएगा। इसमें आप मेस फी अलग से जोड़ देंगे, जो भी आपका मेस फी पर मंथ होता है वो, और इसमें आपको कोई भी फी नहीं देना होता है। तो ये अच्छी चीज़ है इस यूनिवर्सिटी की कि यहाँ का गर्ल्स जो भी पढ़ते हैं उनका फी बहुत ही लो है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ आपका इतना ही फी आपका लगने वाला है। हम आगे बात करेंगे प्लेसमेंट सेल के बारे में, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के बारे में भी वीडियो बने रहे। जो सामने आपको दिख रहा है ये बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कैंपस है, और ये रहा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का कैंपस है, और इसी के पीछे आपका हॉर्टिकल्चर का कैंपस है। यहाँ से एक रास्ता गई है आगे जाकर, ये हॉर्टिकल्चर का भी कैंपस यहाँ पे बना हुआ है। ये रहा आपका फील्ड, बहुत ही बड़ी फील्ड है ये, और ये इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम है। इसके अंदर आपका टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट भी इसके अंदर है। स्पोर्ट के मामले में भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आपको सारा फैसिलिटी इसमें मिलेगा। ये वॉलीबॉल कोर्ट है, ये दो है, ये आपको एक दिख रहा होगा लेकिन ये दो। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी के बारे में। तो स्टडी के बारे में ये है कि आप इसमें आपका जो 75% का जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो तो आपको फुलफिल करना ही होगा। 75% से नीचे आपका अटेंडेंस होता है तो आपको आई ग्रेड मिल सकता है, यानी कि फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपका वो बैक लग जाएगा आपका एक साल। अगर आप टोटल प्रैक्टिकल का लेक्चर अटेंड करना होगा, थ्योरी का लेक्चर अटेंड करना होगा, एक भी प्रैक्टिकल एक भी थ्योरी आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो है जूनागढ़ रेलवे स्टेशन। ये जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी का रास्ता जो है वो आपका 10 से 15 मिनट लगेगा आपको आने में। 10 से 15 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन से इस यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो सबसे पहले आपको अहमदाबाद आना होगा। अहमदाबाद आने के बाद फिर आपको यहाँ से ट्रेन लेकर राजकोट, या डायरेक्ट आप अहमदाबाद से जूनागढ़ आ सकते हैं। अहमदाबाद से जूनागढ़ आने में आपको 8 आवर लग जाएंगे, आपको अहमदाबाद से राजकोट आने में 5 से 6 आवर लग जाएंगे, और फिर अहमदाबाद राजकोट से जूनागढ़ आने में आपको 1 से 1.5 आवर आपका लग जाएगा। तो टोटल आपको अप्रोक्स 8 आवर लग जाएंगे अहमदाबाद से जूनागढ़ आने में। तो ये रही इसका आने का लोकेशन, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल के बारे में। तो आप जैसे ही जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर आप आएंगे तो आपको नीचे आपको प्लेसमेंट सेल दिखेगी। प्लेसमेंट सेल में आप जो लेटेस्ट है 2021 और 22 का प्लेसमेंट सेल डिटेल दिया गया है इसमें, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, पर एनएम कितना अमाउंट का यहाँ प्लेसमेंट हुआ है, हायर स्टडी के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो यूजी है 4 ईयर प्रोग्राम, जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जूनागढ़ का टोटल स्टूडेंट 41 प्लेस हुए थे, जिसमें जो पर एनएम का जो सैलरी था वो 2,32,000 रुपए था। 50 स्टूडेंट जो थे वो हायर स्टडी के लिए सेलेक्ट हुए थे। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, इसमें भी 41 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था 21-22 सेशन में, 5,28,000 पर एनएम का प्लेसमेंट लगा। वहीं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जूनागढ़ जिसमें 16 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था और इनका 6,40,000 का प्लेसमेंट लगा था पर एनम का। हायर स्टडी के लिए 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, और इसी का जो सब कैंपस है जूनागढ़ का सब कैंपस अमरेली में है, इसमें एग्रीकल्चर में 8 स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगा था 2,80,500 रुपये, और हायर स्टडी के लिए जो सिलेक्ट हुए थे 46 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। इसी का दूसरा कैंपस सब कैंपस है खापट में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था वहाँ, और पर एनम का प्लेसमेंट लगा था वो 2,40,000 रुपये का, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए सिलेक्ट हुए थे वो 21 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। टोटल 113 स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगा था 2021-22 के सेशन में। बाकी कंपनी कौन कौन सी आती है ये आपको यहाँ पर दिया होगा, एग्रोस्टार, कैरियर लाइन प्राइवेट लिमिटेड, प्रो विकास एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, लाइफ सेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन टेक गार्डन, फूड मशीनरी कॉरपोरेशन। ये जो भी रिक्रूटमेंट सेल है जो कंपनी आई है वो सब मैक्सिमम प्राइवेट ही है, तो आपका इसी में से आपका प्लेसमेंट लगेगा। तो आई होप आपका प्लेसमेंट के बारे में भी क्लियर हो गया होगा कि 21-22 के सेशन में कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगी थी। तो ये जो आपका हॉस्टल है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का हॉस्टल है, ये जो हॉस्टल है यूजी हॉस्टल एग्रीकल्चर का है, ये जो हॉस्टल वो पीजी है, वहीं यूजी का जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हॉस्टल है बॉयज़ के लिए वो है विवेकानंद हॉस्टल, वहीं गर्ल्स हॉस्टल अविदिता है, ये इंटरनेशनल हॉस्टल है जो कि अदर कंट्री से आते हैं उनके लिए। इस यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्सेज का अलग अलग हॉस्टल है, एग्रीकल्चर का अलग, हॉर्टिकल्चर का अलग, बीटेक का अलग। थर्ड और फोर्थ राउंड तक आएंगे तो आपको सब कैंपस मिल जाएगा जो कि एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अमरेली में, फिर अगला सब कैंपस है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खापड़, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये मेन कैंपस के अंदर है। तो ये जो आपका 1, 2 और 3 ये मेन कैंपस है, बाकी 2 कैंपस है आपका सब कैंपस है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खापट और अमरेली। यूनिवर्सिटी में आना है तो आप सेकेंड राउंड तक आ जाए तब आपको मेन कैंपस मिल जाएगा,
वहीं अगर आप लेट से आएंगे तो चांस है आपको सब कैंपस मिले। तो आई होप आपका जो बेसिक कन्फ्यूजन था इस यूनिवर्सिटी को लेकर वो आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो में अगर इसका और भी डिटेल चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ICR 2023 में फ्री काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।